पॉजिटिव हुई है, लेकिन उस टाइम में मेरे टाइम पर कोई पॉजिटिव केस नहीं था। जब मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट का पता चला तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, मैं कैसे हो गया तो देखते हैं पॉसिबल हो गए थे। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया कि भाई की पॉजिटिव आई, तो उसने बोला कि पॉजिटिव को पैनिक नहीं होना, फिर हौसला बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में मैच भी हो गया, तो हम इंजॉय मैच करते रहते थे दो तीन दिन साथ में, तो हर दिन मजाक करते रहते थे, टाइम भी कट जाता था। और मैं कहना चाहूँगा अपने लोगों से, अपने लोगों से, अपने स्टाफ के लोगों से, स्टाफ से ये कहना है कि बस डरना नहीं है, बस हेल्दी रहना है और खुश रहना है, तो अभी आपको दोबारा बोलेंगे कि यहाँ दोबारा काम करो तो डरोगे नहीं, जोर से बोलो। हाँ तो बोलो प्रवीण पाटी। मेरी ड्यूटी होता तो कोविड आइसोलेट थे, वहाँ पर कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे प्रेमचंद का फिर लेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ अपने लोगों से कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, जिससे हम लड़ सकते हैं, वैसे ये प्रिकॉशन है अच्छे तरीके से लेना। ओके, अभी मैं सबसे जो डरी लड़ती है उसको बोलता हूँ, रजनी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों तेरे मम्मी पापा ठीक हैं? सर मैंने बताया ही नहीं। बताया नहीं है? आप फिर जाके बताएगी नहीं बताएगी? अभी कहाँ जा रही है तुम? हॉस्टल नहीं, अभी घर कहाँ है आपका? हम घर तक गाड़ी भेजेंगे आप। लेकिन सर घर में रहने थे कि या फिर कहीं सेपरेट करते हैं? मैं हम आपको बोल रहे हैं आप घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, बाकी लोगों के तरह रहिए, लेकिन आपको समझता हूँ, आपको पता है छह फीट दूरी रख के मास्क लगा के गर्म पानी लीजिए, कपड़े टिकेट सबके साथ घर में रहें, हम आपको घर तक गाड़ी अरेंज किया है, है ना, जितना हो सकता है हम इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप बताओ बोलो जोर से कुछ। अपना अपना ख्याल जरूर रखना है, अपनी टीपी के पहले कोई परेशानी है तो बताना ही है, ड्यूटी करने वाले बहुत लोग हैं, राइट, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, बहुत लोग हैं ड्यूटी करने वाले, तो डरना नहीं। आप बताइए। बोल रहा हूँ जो जो सरकार की तरफ से संस्थान की वैसे भी निर्देश है कि आप लोगों को जब ऐसे टाइम में अगर आइसोलेशन में काम करना है तो आइसोलेशन वार्ड में रहना है, क्वारंटाइन करना है ना, खासतौर से आप लोग।